राठौड़ों की रियासत रही जोधपुर इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इसकी वजह है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस से, तो मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मगर जोधपुर के लोगों का मिजाज ऐसा है कि दोनों ही पार्टियों को जीत का भरोसा हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। हमने जोधपुर के लोगों की नब्ज टटोलने के लिए चौक चौराहों से लेकर उम्मीदवारों के चुनावी यात्राओं तक का जायजा लिया। गद्दारी के किले ढह गए, गद्दारी के किले ढह गए, राष्ट्रवाद की तोप से सांप नेवले एक हो गए मोदी के खौफ से। और मोदी का इतना खौफ है कि ये सब एक हो गए, इनके पास कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं। जोधपुर की जनता जो जनता के बीच में रहा है, जनता का काम किया, उन लोगों को वोट देंगे। जिन्होंने जो जनता के बीच में नहीं गए उनको जनता नकार देगी। मुकाबला कांटे का है। इस लोकसभा में जोधपुर की 7 विधानसभा सीटें आती है। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में 8 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि 2 सीट बीजेपी ने जीती है। बीजेपी की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले मौके में ही बेटे दुष्यंत सिंह को सांसद बना दिया था। तब से वैभव गहलोत के लिए अशोक गहलोत के घर में दबाव बन रहा था। मगर राजनीति में परसेप्शन की राजनीति करने वाले अशोक गहलोत राजनीतिक धृत राष्ट्रों की श्रेणी में खुद को अलग किए रहे, लेकिन आखिर में परिवार के सामने झुकना पड़ा और वैभव गहलोत जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। वैभव जानते हैं कि मुकाबला राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से है, लिहाजा दिन में 5 बार मंदिर जाते हैं। वंशवाद जैसी दुखती रख पर कोई हाथ रख दे तो लंबी सफाई देते हैं। चुनौती बड़ी है वैभव जी आपके सामने। हर चुनौती बड़ी होती है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, प्रधान का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, हर चुनाव चुनौती है। तो ये यहाँ पे चुनाव जोधपुर की जनता लड़ रही है, तमाम कार्यकर्ता, तमाम अग्रिम संगठन के हमारे अध्यक्ष और कार्यकर्ता, तमाम नेता, और हम सब ये चुनाव लड़ रहे हैं संगठित होकर। क्या रिस्पांस मिल रहा है, आप घूम रहे हैं तो लोगों जोधपुर में क्या समस्या है और किस तरह समाधान करेंगे, हमने क्या लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं? पूरे जोधपुर संसदीय सीट में मैं जहाँ जहाँ लगभग सारे विधानसभा क्षेत्रों में मैंने दौरा कर लिया है, लोगों का अपार आशीर्वाद, अपार समर्थन, अपार प्यार मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है। जोधपुर की जनता इंतजार कर रही है कि कब यहाँ से बीजेपी के सांसद को विदा किया जाए। बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बनकर न केवल पहली बार में ही केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले इन्हें वो बीजेपी के राजस्थान का अध्यक्ष भी बनवाना चाहते थे, मगर वसुंधरा की वीटो की वजह से ये हो न सका। गजेंद्र सिंह जानते हैं कि मुकाबला जोधपुर के सबसे लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत के बेटे से है, लिहाजा बात केवल मोदी, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की करते हैं। सर, यहाँ टक्कर मुख्यमंत्री के बेटे से है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से बेटे से टक्कर नहीं, पिछले इतने दिन के अनुभव के आधार पर मैं कहूँ तो नए वैभव गहलोत उम्मीदवार हैं और नए मुख्यमंत्री के बेटे उम्मीदवार हैं। पूरी राजस्थान की सरकार के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रशासन का जितनी तरह से दुरुपयोग हो सकता है वो सारी तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये लड़ाई जो है ये राजस्थान सरकार की संपूर्ण पूरी कैबिनेट सरकार और सरकारी अमले और एक कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ में खड़े हुए सारे कार्यकर्ताओं की शक्ति की है। 1949 में जोधपुर रियासत के भारत में विलय के साथ ही यहाँ लोकतंत्र का राज शुरू हो गया। आजादी के बाद जोधपुर रियासत तो नहीं रही, मगर भारत से पाकिस्तान के सिंध तक फैले इस टुकड़े को काटकर जोधपुर लोकसभा सीट बनाया गया। मगर आजादी के बाद शायद पहली बार सदा शांत रहने वाले इस लोकसभा सीट पर उबाल आया हुआ है। आगे रे आगे मारा आया सो के जीवो, अगला रे आवे मारा असो के जी, ओ मारे लारे रे वो मारे लारे रे जनता रो साथ, बिगिला वो कांग्रेस नो, ओ मारे लारे रे ओ मारे ए लारे रे जनता रो साथ।
आगे रे आगे महारा मोदी जी, आगे रे आगे महारा मोदी जी, अरे लारे रे आ तो लारे रे जनता रो साथ, वारी जाओ मोदी जी लो गोली जाओ मोदी रे मीरा। दिलचस्प है और लोगों में भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आती रहती है, हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जोधपुर में राजस्थान के सबसे हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्या लग रहा है यहाँ पर? जी हमारे अशोक जी गहलोत के सुपुत्र वैभव जी गहलोत खड़े हुए हैं, क्यों ना हम 400 प्लस से लीड करेंगे हम अशोक जी के नाम पर कि वैभव गहलोत के नाम पर? जी हम हमारे अशोक जी के नाम पर और अशोक जी के नाम पर। आपको क्या लग रहा है इस बारे में, चुनाव में क्या रहेगा इस बार? चुनाव में वैभव गहलोत जीतेंगे जोधपुर से, अशोक गहलोत जीतेगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो मारवाड़ में जितना काम किया है उतना शायद किसी ने किया है। अशोक गहलोत ने जो बोला है वो किया है हकीकत में, लेकिन मोदी जी ने आज तक जो बोला है उसमें कुछ कि अमित शाह और मोदी जी आ रहे हैं तो घबराहट में बीजेपी आ रही है या कि माहौल बनाने आ रहे हैं? बीजेपी को कोई घबराहट नहीं है, कांग्रेस वाले पूरे घबराए हुए हैं, पूरे उनको पूरी उम्मीद है कि वो हार जाएंगे।